हेलो एवरीवन एंड वेरी वेलकम टू नेट जेरब सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। गाइस, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग को मैं वो बातें बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आप सभी लोग बहुत पूछते हो कि बेसिकली PhD असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए जो एलिजिबिलिटी है, हम अगर उसकी बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, और समय समय पर इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देता रहता है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि इंडिया में हायर एजुकेशन की सर्वोच्च संस्था है, और जो कुछ भी नए बदलाव आते हैं या एग्जिस्टिंग रूल्स होते हैं उनके बारे में UGC समय समय पर बतलाता रहता है। देखिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अपनी जगह पर है, लेकिन आप कौन से कॉलेज में, कौन से यूनिवर्सिटी में हो, कहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वेबसाइट है ये ऑफिशियल, काफ़ी अपडेट हो चुका है। आप अगर यहाँ पर आओगे, इसका सेक्शन है, ठीक है, नोटिस सेक्शन है, आप अगर इस पर आओगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो अपडेट्स हैं वो देता रहता है। जैसे आप, मैंने देखो, अभी मैंने अपडेट किया इसको, तो जो भी रूल्स हैं PhD डिग्री से रिलेटेड या टीचर के अपॉइंटमेंट से या प्रमोशन से रिलेटेड, इनका गाइडलाइन, इनका पूरा का पूरा रूल बुक है, और ये 26 मई को अपडेट किया गया है इसी साल। ये अपने इस 25 को निकला था, बट 26 मई को रिलीज़ किया गया। इसमें ये बताते हैं कि जो UGC का रेगुलेशन है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, बदलता रहता है। मैं इसको थोड़ा जूम करके, बड़ा करके आप लोग को सारी चीज़ें बतला देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं, ये है, देखिए, ये थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने। तो ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का लेटर हेड है, और इसमें मेंशन किया गया है डेट 26 मई का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें बताई गई कुछ बातें जो मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई तरीके से बताना चाहूँगा कि UGC, देखिए, बार बार हर साल 2 साल पे क्या करता है, रेगुलेशंस को नोटिफाई करता रहता है टाइम टू टाइम, कि अगर कोई भी व्यक्ति हायर एजुकेशन में हमारे कंट्री में इंटरेस्टेड है। हायर एजुकेशन में दो तरीके से एंट्री होती है, एक तो देखिए PhD के माध्यम से है, और दूसरा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं इसके माध्यम से। ये दोनों ही जो है एंट्री लेवल की चीज़ें हैं, PhD से शुरुआत होती है और असिस्टेंट प्रोफेसर से टीचिंग की शुरुआत होती है। तो ये दो ऐसे मिनिमम चीज़ें हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए, है ना। तो दो रेगुलेशंस हैं इस, इन दोनों से ही रिलेटेड दो डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस को बताता है कि कैसे अपॉइंटमेंट होने चाहिए और टीचर्स का प्रमोशन कैसे होना चाहिए। साथ ही साथ जो PhD अवार्ड होते हैं, यानी कि डिग्री जो दी जाती है, उसके उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन से जाना बड़ा ज़रूरी है। जैसे एडमिशन से लेकर के, है ना, एडमिशन से लेकर के आपके प्रमोशन तक और अपॉइंटमेंट तक एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी चीज़ों के बारे में गाइडलाइन रिलीज किया जाता रहा है। यहाँ पर दो चीज़ें देखिए UGC ने मेंशन किया हुआ है, नंबर वन, नंबर टू। पहला कहता है UGC का रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन 2018। 2018 में ये एक नया गाइडलाइन रिलीज हुआ था जो अपडेट हुआ था टीचर्स के अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड। बेसिकली हमारा कंसर्न क्या है, टीचर का है। टीचर यानी कि एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जब आप कहीं जाते हो तो क्या मिनिमम, है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, इसके बारे में बताता है। ये 2018 का गाइडलाइन है। फिर उसके बाद बताता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ही क्या मिनिमम स्टैंडर्ड हो सकता है एंड प्रोसीजर्स हो सकते हैं कि PhD डिग्री अवार्ड जब किए जाते हैं इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको फॉलो अप नहीं किया जाता है तो आपका अवार्ड या डिग्री कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। और अगर फ्रॉडगिरी के थ्रू आप ये डिग्री अर्जित करते हो, ठीक है, तो डिग्री तो कैंसिल होगी ही होगी, साथ ही साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करता है हायर एजुकेशन की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, इसलिए वो रेगुलेशंस को मैंडेटरी मानता है। अगर आप फॉलो नहीं करते हो, आपका मतलब यहाँ पर किससे है, इंस्टीट्यूशन से है, यानी कि जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड कॉलेज हो गए या यूनिवर्सिटी हो गया, अगर वो फॉलो अप नहीं करते हैं तो। दरअसल यहाँ पर चिंता का विषय ये है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी
या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अगर उसे फॉलोअप नहीं करता है तो नुकसान उसका नहीं है। यहां पर नुकसान किसका है? एक छात्र का, ठीक है, एक छात्र का नुकसान है, एक छात्रा का नुकसान है। क्यों? क्योंकि भविष्य से खिलवाड़ आपके साथ होता है। आपको नहीं पता होता और आप किसी भी कॉलेज में चले जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं पीएचडी में, आपको नहीं पता होता है कि वो यूजीसी से एफिलिएटेड भी है या नहीं। जैसे अभी बिहार केस हुआ है ना, बिहार का केस हुआ, उसमें एक यूनिवर्सिटी को पाया गया और कहा गया कि ये यूनिवर्सिटी ने 1.5 लाख स्टूडेंट को फर्जी डिग्री बांट दी, जबकि कॉलेजेस जो थे वो एफिलिएटेड थे ही नहीं किसी यूनिवर्सिटी से। तो स्टूडेंट्स के लिए ये अवेयरनेस वीडियो है एक तरीके से, और मैं आपको लिए चलता हूँ उन रेगुलेशंस में जो भारत सरकार राजपत्रित है, ठीक है, भारत सरकार का ये गैजेटे ऑफ इंडिया, गैजेट ऑफ इंडिया, यानी कि इस भारत सरकार ने इसके ऊपर पूरा बाकायदा एक, आप देखो यहाँ पर पूरा का पूरा रूल बुक है ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का, ये 7 नवंबर 2022 को पब्लिश हुआ। ये पीएचडी की उपाधि हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया को बतलाता है, यानी कि मिनिमम एलिजिबिलिटी और प्रोसीजर्स को बताता है कि पीएचडी अगर आपको करना है तो क्या क्या चीजें आपको पता होना चाहिए। पीएचडी ऐसा नहीं है कि घर में दाल चावल सब्जी रोटी बना लिया और खा लिया। 5 साल तक आपको अपने जीवन का बहुमूल्य टाइम देना है, संसाधनों को देना है। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ से रिसर्च कर रहे हैं, आप पीएचडी कहाँ से कर रहे हैं, ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है। इसी से रिलेटेड ये पूरा का पूरा रूल बुक है। इससे रिलेटेड मैं वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें आप लोग को बताऊंगा इसके जिस्ट को कि कैसे और किस तरीके से आप कर सकते हैं। वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा ये, इसलिए नहीं है ना, मैं जल्दी ही इसके ऊपर पूरा का पूरा एक है ना पूरा कंप्लीट एक जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को दे दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि कहाँ पर और कैसे पीएचडी के नियमों में हम है ना पूछताछ जांच वगैरह कर सकते हैं। ऐसे ही ये देखिए, ये शिक्षकों की नियुक्ति से रिलेटेड है। विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कहीं कोई फर्जी वड़ा तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ भी ऐसा तो नहीं जो छिपा करके रखा जा रहा है, आपको पता नहीं चलता। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, इसको देने में बताने में लगेगा समय। अभी आपको सिर्फ इतना बताना था कि यूजीसी समय समय पे ये बताता है कि भाई जागरूक हो जाइए और अपने अधिकारों को समझिए, कि बेसिकली पीएचडी कहीं से भी आप करते हैं पूरी इंक्वायरी करिए, पूरी इंक्वायरी के साथ। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं पर अपॉइंटमेंट होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ ज्यादती हो गई हो, किसी को फायदा पहुंचाया गया हो, ये सारी चीजें इन नियमावली के अंतर्गत बताए गए हैं। ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर बताया हुआ है, डायरेक्ट यहाँ से था ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन। बाकी इसके अलावा आप लोग और सब्जेक्ट रिलेटेड स्टडी करने के लिए जुड़ सकते हैं मेरे साथ अन अकेडमी पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर PhD, ठीक है, नेट JRF PGT सब कुछ तैयारी कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाती है मेरे अन अकेडमी के कोर्सेज। ऐसा समझिए कि मेरा ही ये प्लेटफॉर्म है, सिर्फ YouTube की तरह एक प्लेटफॉर्म अन अकेडमी है, बट यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूँ कम्प्लीटली, सब कुछ मेरा अपना ही होता है। तो ध्यान रखिए, अभी कोर्सेज मेरे चल रहे हैं अन अकेडमी पे, चाहे वो पेपर 2 का हो चाहे वो पेपर 1 का हो, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है अन अकेडमी के सिंगल सब्सक्रिप्शन में। आज है 31 मई और अन अकेडमी आज आपको 20% डिस्काउंट ऑफर दे रहा है जून और दिसंबर एग्जाम के लिए। आप सभी लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ, रेफरल कोड अभिषेक जी यूज करके आपको 20% डिस्काउंट ऑफर का लाभ भी मिल जाएगा। कोई भी इंक्वायरी है आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे वीडियोज आपको दोबारा देता रहूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।